गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड के जिहड़े विद्यार्थी है उन्हों का सब्जेक्ट चल रहा है फिलोसफिकल परसपेक्टिव इन एजुकेशन। अज आप अगला टॉपिक कर जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज आदर्शवाद की सिक्ख्या, आइडियलिजम एंड एजुकेशन। तो वीडियो शुरू करन तो पहला स्टूडेंट, जो वीडियो वधिया लगते तो लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। आइडियलिजम की है? आदर्शवाद कहते बहुत पुराना दर्शन है, एक फिलोसफी का ना जो बहुत ही आप कहते पुराना पार्ट है, वो दैट इज़ ए आइडियलिजम। इहदी होंद कदों तो आरंभ हुई, आइडियलिज़म कदों तो आरंभ होया आदर्शवाद? जदों मनुख ने सोचना शुरू किया, जदों तो मनुख सोचन लग्या उदों तो आइडियलिज़म चल रहे हैं। पच्चवी इसका जन्म अफलातून सुकरात ते अरिस्टू दी लिखी लिखतां अते भाषणां द्वारा होया। भारत में इसका जन्म वेदा पुराणा ते उपनिषेदा के ग्रंथों द्वारा होया। उस पिछों आदर्शवाद ने मतलब जदों वेद उपनिषेद लोगों ने पढ़े तो उस तों बाद इन्होंने आदर्शवाद बारे जानना शुरू किया। तो मनुख ते बहुत ज़्यादा प्रभाव पिया इसका, तो महान दर्शनों ने इन्होंने अपने वाल ध्यान भी खिंचया। ये कांत, हिंगल, फ्रोबल, फिशे, गुरु नानक देव जी, मतलब बहुत सारे जोड़े है अपने दार्शनिक जोड़े है शामिल सन। आदर्शवाद के अर्थ से परिभाषा देखिए, जब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म का रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति प्लेटो की विचारधारा सिद्धांत तो हुई। प्लूटो ने जो अपना सिद्धांत दिता से थ्यूरीज ऑफ आइडियाज उस तो हुई है। इस सिद्धांत अनुसार अंतिम सत्ता विचार अर्थात विचारवाद दी है, इसलिए असल शब्द आइडियलिज्म है, परंतु उच्चारण की सोख में मुख रखद इस अंग्रेजी भाषा के अक्षर लैन जोड़ के आइडियलिज्म का नाम मतलब विचारधारा विचार की है अपने वोदे इन्होंने जोड़ दिता है। आदर्शवाद वो सिद्धांत है जो अंतम सत्ता अध्यात्मक मानता है। तो अलग अलग जोड़े है अपने जो राइटर्स उन्होंने ये बारे दसे। तो ये बेसिक जोड़े बुनियादी सिद्धांत की आइडियलिज्म ने, सब तो पहला है संपूर्ण संसार के दो रूप, ये की मानते हैं टू फॉर्म्स ऑफ द होल वर्ल्ड। आदर्शवाद कहते मानते हैं भी जोड़ा संसार है वो दो रूपों में ही बनता है, एक अध्यात्मिक जगत एक भौतिक जगत। भौतिक जगत जोड़ा है जिसे आप जी रहे हैं नाशवान है, खत्म हो सकता है, असत है जिसे सत्य नहीं है, मतलब सच्चाई नहीं देखने को मिलती। अध्यात्मक जगत की है जो यथार्थ है तो सत्य है जो हमेशा रहेगा, तो जे जो अपन सत सच्चाई की प्राप्ति लिए बड़ा अगे तक लैके जाता, अपने ज्ञान के वाधा करता है, ये अपन मन की आत्मा की शांति प्राप्त होंगी है। तो इस तरह अपना संसार है जोड़ा दो रूपों के वंडिया हुआ है, वस्तु के मुकाबले विचार में महत्ता। इंपोर्टेंस ऑफ आइडिया दैन ऑब्जेक्ट। आदर्शवादियों अनुसार मन के आत्मा का ज्ञान केवल विचार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने विचार है उन्हां द्वारा ही आप जो भी है प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक जग जगत वस्तुएं हैं उन्होंने मुकाबले जोड़े भाव है अपने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे है। विश्वास है कि वस्तु या पदार्थ में असत्य माया हैं, तो सत्य की है सर्वव्यापी जो अध्यात्मक संसार है वही जोड़ा है वो सच है। प्रकृति के मुकाबले मनुख को महत्व। इंपोर्टेंस ऑफ मैन दैन नेचर। आदर्शवाद को मनन वाले की कहते हैं, प्रकृति तो हैगी लेकिन वो होंद के मुकाबले मनुख की होंद होनी ज़्यादा जरूरी है। मनुख एक बुद्धिमान सियाना प्राणी है, उही जिहड़ा है वातावरण अपने अनुसार ढाल सकता, प्रकृति को संभाल के रख सकता, अध्यात्मक प्राणी बन सकता, इसलिए प्रकृति नालों आदमी की होंद है जी ज़्यादा जरूरी मनी गई है। सर्वव्यापक मन यूनिवर्सल माइंड। आदर्शवाद जिहड़ा अपने मन की विचारधारा मुख रखते, अपने मन के विश्वास होना जरूरी है। साड़ा छोटा मन सर्वव्यापक मन का एक भाग है, मनुखी जीवन का उद्देश व्यापक मन प्राप्त करना, समझना, वर्णन करना वह ये आंदा। मन ते वास्तविक ज्ञान माइंड एंड रियल नॉलेज। असल में ज्ञान मन में ग्रहण किया जाता है, परमात्मा समुचे ज्ञान का सोम है। मन की जो भी कार्यशीलता है वह मनुख द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अध्यात्मक मूलों में विश्वास, फेर इन स्पिरिचुअल वैल्यू। आदर्शवादी की है अध्यात्मक मूलों नूं मुख मानते, आप पहले ही कहते क्योंकि उन्होंने अमर मानते हैं, भी सिंचाई पाई सॉरी तैना अध्यात्मक मूलों में की सच्चाई पाई जाती है, ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन मनी जाती है। आदर्शवादियों का की विश्वास है कि वक् वक् तौर पर जे आप प्राप्त करना है सच्चाई को, तो आप जिमें सच में प्राप्त की कर सकते, अध्यात्मक मूलों की प्राप्ति न ही कर सकते। व्यक्तित्व के विकास का महत्व। इंपोर्टेंट ऑफ परसनैलिटी डेवलपमेंट। आदर्शवादी दार्शिक मनुख के व्यक्तित्व में बहुत मुख समझते हैं, वधेरे बल देंगे, जो मनुख की शख्सियत है यही मनुख को एक आदर्शवाद व्यक्ति बनाने हेल्प करती है, वो स्वय पहचान करवाती है।
अनेकता विच एकता दे सिद्धांत की पूर्ण समर्थ है। आदर्शवाद की मानते अनेकता विच एकता सिद्धांत मानते उन्होंने विश्वास है कि संसार में जिन्नियां भी व्यवस्था उन्होंने भिन्नता होंदे हुए भी एकता जरूरी है। इन्ह एकता करके ही ईश्वर नूं वख-वख देखो चाहे ईश्वर नूं वख-वख नामां नाल पुकारा जाता फिर भी आपां की कहने ईश्वर की है सर्वव्यापक है। आदर्शवादियां किस्मां टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म सब तो पहला है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद सबजैक्टिव आइडियलिज्म जिदे विच की है जिन्हों मनोवाद भी कहा जाता जो मन या आत्मा की होद नूं मनुख नूं मुख मानता है। अनुभव जो आप करते हैं वह पदारक अवस्था विच नहीं है जो अपनी मन ते आत्मा नूं शांति दिंदी है उन्हां अवस्था नूं मुख मनिया है। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म यह की है जो चीज़ों की वास्तविकता उन्होंने मानते हैं संसार जिहड़ा दिखता है जिहड़ियां धारणावां भाव है जो बाहरली अवस्थावां है मनुखी बनतर है उन्होंने वस्तुओं मतलब प्रमुख मन के चलती है। व्यक्तिगत आदर्शवाद जिहड़ा पर्सनल आइडियलिज्म वो अपनी मानसिक वो कहिंदे भी जिहड़ा अमूर्त सच्चाई है ना ही विचार है सगो मौलिक सच्चाई की है एक व्यक्ति जो अपनी शख्सियत है उही अपनी की है सच्चाई। फिर आ जाता भी सिक्ख्या विच आदर्शवाद का मुलांकन ते योगदान आदर्शवाद कहते बहुत पुरानी विचारधारा है सिक्ख्या दे विच इन्हें बहुत ही भूमिका निभाई है। ब्लूटो होया अरस्तू होया फुकिटे होया ठीक है टैलर होया हर्बर्ट इन्होंने सारिया ने इस विचारधारा विच अपनी कुछ ना कुछ भूमिका निभाई है तो इन्हें एजुकेशन के नाल जोड़ के चलो तो इन्हों का गुण की है सब तो पहला ये की कहें व्यापक तो उच्च उद्देश वाइड एंड हायर एम्स है। आदर्शवाद की है बहुत जोड़े इन्हें एम है सीमित नहीं है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है विस्तृत व्याख्या की है। ये कहते हैं भी बच्चों उन्होंने उद्देश्य दसे जाए अध्यात्मक पद्धर विद्यार्थियों के उच्चा किया जाए। नैतिक चरित्र का निर्माण करने भी बड़ा जोर देंगे बच्चों में सत्यम शिवम सुंदरम के गुणों व्यवस्थित करने नैतिक चरित्र का निर्माण करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुपुखी के भी विशाल पाठक्रम आदर्शवादियों अनुसार जोड़ा पाठक्रम है बहुपुखी होना चाहिए गतिशील होना चाहिए लचकदार होना चाहिए जिदे विषयों कला तहजीब सारिया चीज़ों दी जाए। मनोवैज्ञानिक विधियां होनी चाहिए आदर्शवाद विधियां विच अनुदेशन क्रिया अनुभव सब कुछ शामिल है। धार्मिक नीतियां जिहड़ियां हैगियां बहुत प्रभावशाली इहदे विच मनियां जांदियां। सर्वव्यापक सिक्ख्या आदर्शवादी की मानते हैं भी हरेक व्यक्ति नूं सर्वव्यापक सिक्ख्या मिलनी चाहिए है जिस तरह विद्यार्थी अपना संपूर्ण विकास कर सकन। आदर्श अध्यापक का होना जरूरी है क्योंकि बच्चे जो भी कुछ सीखते एक अध्यापक तो सीखते अध्यापक का बहुत वड्डा योगदान हुंदा है इसलिए अध्यापक जिन्ने ज़्यादा आदर्श होंगे उन्नी ही बच्चों की जिहड़ी स्थिति है वह उन्नी ज़्यादा वधिया होगी। स्वै अनुशासन की भूमिका भी निभाउंदा भी विद्यार्थियों बच्चों स्वै अनुशासन किवें रहना स्वै डिसिपलिन किवें रहना यह चीज़ बड़ी ही अध्यापकों द्वारा समझाई जाती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थी अपने आप को अगे तक ले सकते हैं। बच्चे की शख्सियत का आदर आदर्शवाद की है बच्चे की शख्सियत का आदर करे जिस तरह का बच्चा है उसकी रचनात्मक शक्तियों के विकास उत्ते जोर देते हैं। स्कूलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भी स्कूलों का जो वातावरण है स्कूलों की जी होंद है वो अध्यापकों वालों जो भी सहायता मिलती है प्रभावशाली वातावरण जो मिलता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका जी मनी जाती है। महत्वपूर्ण सिद्धांत है आदर्शवाद स्वै अनुशासन स्वै नियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिपादन है यह सिक्ख्या जगत में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस तरह आदर्शवाद बेसिकली की है आदर्शवाद जिहड़े अध्यात्मक जीवन उत्ते ज़्यादा जोर देंगे भौतिक जीवन उत्ते उन्ना जोर नहीं देंगे। अध्यात्मक जीवन अंतिम सच्चाई मानते हैं प्रकृतिवाद के विश्वास नहीं रखते मनुख की होंद के विश्वास रखते। आई होप तुहानू वीडियो वधिया लगी होगी वधिया लगती तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।